सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि बहुत लोगों का सवाल होगा कि आखिर ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया, क्या जरूरत पड़ी। तो मैं बता दूं, मेरा मीडिया से नाता करीब 20 साल से है। मैं फिल्मों में भी काम किया, न्यूज मीडिया में भी काम किया, रेडियो के लोगों के साथ भी काम किया, अफ्रीका के करीब 28 देशों में जो यूथ लीडर्स हैं उनको भी हमने थोड़ा सा इसमें हेल्प किया। तो ये सारी चीजें करने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हूँ और खास करके रूरल इंडिया और रूरल रिमोट एरियाज में, वहां लगा कि अभी भी हमारे जितने भी ग्रास रूट जो कम्युनिटी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, कम्युनिटी मीडिया को जो जिनके पास एक ऐसा टूल है जो बहुत जो पोटेंशियल है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो इससे मुझे लगा कि शायद जितना हम लोगों ने मीडिया में रह के सीखा है, समझा है, और खास करके डेवलपमेंट सेक्टर से भी जुड़े होने के नाते, तो हमने देखा कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे हों जिसमें अपने अच्छे जो काम है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी जितने भी हमारे नेटवर्क में है, कम्युनिटी रेडियो से हों या फिर दूसरे सोशल मीडिया पे ही एक्टिविज्म करते हों, उसका यूज करते हों, क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको पहले हम लोग गाइड करें कि कहाँ पे कौन सी अच्छी चीज हो रही है जिसे हम लोग अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एज नो कॉस्ट बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोजेक्ट हो तभी हम कर पाएंगे या कोई हमारे पास फंड देगा तभी कर पाएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं इस तरह से, तो दो चार लोग इसमें जो ऑलरेडी इंडिया में अच्छा कर रहे हैं रेडियो में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया उनसे कि ऐसे करना चाहते हैं। और इसमें है कि मैं बिल्कुल ये जो भी करना चाहता हूँ ये बिल्कुल नॉन फाइनेंशियल होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना मैं फीस चार्ज करना चाहूंगा, ना ही किसी को ला के फिर एजेंट को रखना चाहूंगा। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम लोग समझें कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ना कि हम किसी का सामान बेच रहे हैं या फिर किसी को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें सब लोगों का उतना ही अधिकार होगा जितना जो शुरुआत कर रहे हैं उनका, क्योंकि इसमें क्या है, नॉलेज शेयरिंग की बात होगी, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात होगी कि हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं क्या। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि फिल्टर करें। जब हमने ये शुरुआत किया तो बहुत लोगों ने इसमें, मैंने देखा कि जो रेडियो से जुड़े भी नहीं है, जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, उन लोगों ने भी कहा कि मैं भी इस ग्रुप में रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वो उसमें कोई गलत नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, लेकिन जब जहाँ पे टेक्निकल और ये चीजें डिस्कस हो, जहाँ पे रियल रिजल्ट की बात हो, जिसपे हमें रिजल्ट चाहिए और टाइम हमारा लिमिटेड होता है, वहां पे हम लोग ऐसे ही लोग हम डिस्कस करें जो सही में रेडियो से जुड़े हैं, या तो काम कर रहे हैं रेडियो में, या रेडियो का लाइसेंस उनके नाम पे, वो ओनरशिप है उनकी। तो ये दो तरीके के लोग होंगे, या ये हो सकता है यूनिवर्सिटी वाले भी हों जो उसको चला रहे हो, या हो सकता है कि आप एनजीओ वाले भी हों वो भी चला रहे हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट उनका नाता रेडियो से हो ताकि हम लोग आदान प्रदान कर सके। तो ये मेरा आइडिया था जिसके लिए हमने सोचा कि ये एक शुरुआत की जाए। और हमसे भी बहुत सीनियर लोग हैं इसमें, बहुत दिनों से हैं, उज्जैन में जो रेडियो चल रहे हो काफी दिनों से हैं, वो तो खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे मैं था वैसे वो हमसे बहुत सीनियर है, लेकिन वो उज्जैन से ही करते थे, मैं दिल्ली मेरा बेस था। हम लोग चाह रहे थे कि जिसका जो भी बैकग्राउंड हो और उसको हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम शेयर करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ रेडियो और फिल्म में भी हमने काम किया है, तो वो उसका एक्सपीरियंस लेते हुए मैं आज के डेट में मैं डेवलपमेंट सेक्टर में भी कर रहा हूँ, जैसे पॉलिसी रिसर्च हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्ट्रेटजी पे काम करना, कैसी मीडिया स्ट्रेटजी होगी, उनकी प्लानिंग कैसी होगी, ये पे भी काम चल रहा है। तो मुझे पता है कि जो CSR के जो फंड होते हैं वो जो डिजाइन किए जाते हैं, जो बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग रेडियो को भूल जाते हैं, जिसका पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, गांव में रीच है, और गांव में ही प्रोजेक्ट होता है कम्युनिटी, ये सोशल मीडिया, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो कॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन कभी भी उन लोगों ने डिजाइन ऐसा नहीं किया जिसमें कि हम उनको कम्युनिटी रेडियो के लिए बजट कर पाए। तो ये मेरा मकसद था कि मैं जहां भी बैठूं, जिस तरह से भी करूं, पहले तो पहले फेज पे होगा कि हम दूसरे को एक दूसरे को हैंड होल्ड करेंगे, जो कम्युनिटी रेडियो वाले हैं जिसको दिक्कत होता है कि ग्रास रूट पे गांव में बैठे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि किसी एक्सपर्ट को बुला के वो उस चीज के बारे में समझ सकें, अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकें, ये जिस जो पॉपुलर हो उस चीज को समझ सकें। तो ये बहुत बड़े चैलेंज होता है। और उसका क्या होता है, जो छोटे से काम के लिए भी जब किसी को हेल्प लेते हैं वो, तो एक बड़ा सा बिल आ जाता है उनके पास
कि भैया आपको तो हम ये गाइड करेंगे, आपके लिए इतना चार्ज होगा, तो वो उसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सके। उसमें क्या होता है कि वो जैसे चल रहा है किसी तरह से सिर्फ गाना बजा के हम लोग वो टाइम पूरा कर रहे हैं। तो इसमें ये सारे चैलेंजेस थे जिसको हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग जो हम लोग हैं लाइक माइंडेड हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे इंडिया में कि मेरा टारगेट है कि सिर्फ 100 के अराउंड ही हम लोगों के साथ हम क्लोजली हम लोग हेल्प करें, आदान प्रदान करें, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है अभी कि मैं 200 प्लस लोगों को कर पाऊं। अगर 100 को हमने कैटर कर दिया तो हो सकता है इसमें से 50 लोग ऐसे हों जो 100 और लोगों को हेल्प कर सकते हैं बिना मेरी मदद के। तो ये एक चेन हम लोग बनाना चाहते हैं कि इंडिया में भी चेन बने। ये अफ्रीका में एक बार हो चुका है जो हमने किया था, आज से 3 साल पहले मुझे मोरक्को में इनवाइट किया गया था इसी चीजों को लेके जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे अफ्रीका में हो सकता है। तो उस चीज को मैंने वहां बताया था, तो वहां पे कई यूथ लीडर्स थे जो अफ्रीका में जो कम्युनिटी रेडियो चलाते थे, हरारे में एक है रेडियो, उन लोगों ने काफी अच्छा इसको इम्प्लीमेंट किया, केन्या में इम्प्लीमेंट किया। तो ये बहुत सारे अगर वहां हो सकता है जिसका लैंग्वेज मैं खुद नहीं जानता, जो सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं कि सेंस और मीडिया का जो स्टाइल है, मीडिया का जो स्ट्रेंथ है, उसको समझ के हम लोग अगर प्लान कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम भारत में क्यों नहीं कर सकते हैं। और इतनी बड़ी कम्युनिटी है और आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग जानते हैं चैलेंजेस, हमसे ज्यादा आप लोगों को चैलेंजेस पता है क्योंकि आप लोग गाँव में है। और मैं तो ट्रेवल करता हूँ, उससे अंदाजा होता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है और कितना चैलेंज है जो आप लोग स्ट्रगल करते हैं डे टू डे पे, प्रोग्रामिंग से लेके आपका लाइसेंस का जो फी होता है वो तो हर साल देना ही है, क्या उसके लिए हमें एड मिल पाता है नहीं मिल पाता है, बहुत सारा चैलेंज है, कितने लोगों ने तो खत्म कर दिए हैं। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करें जो प्रोजेक्ट की बात ना करें। हम प्रोजेक्ट हम नहीं दे सकते, हम फंडर नहीं है, हम सिर्फ इसलिए हम आप लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो अंदाजा किया है, जैसे दूसरों को मदद किया है, मैं उस चीज को मैं अपने भारत के कम्युनिटी रेडियो को मदद कर पाऊं जिससे कि उनकी रीच बढ़े और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और वो डिपेंडेंसी किसी दूसरे गवर्नमेंट देगा तभी हम चल पाएंगे, तो हम वैसा ना करें, ताकि जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो आपकी रीच जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आजकल के जमाने में जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं सोशल मीडिया अपना वेब रेडियो, तब तो आपकी रीच और भी बढ़ जाती है, उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वेब रेडियो अपने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करना है, दूसरे से सीखना है, और इसमें हम लोग एक्सपर्ट्स जितने लोग हैं हम तो चाहेंगे कि वो लोग भी अपनी राय रखें। और इस सेशन के बाद जब ये खत्म हो जाएगा सेशन जब, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे एक फॉर्मेट हम लोग जनरेट करें गैप्स मैपिंग के लिए, कि कम से कम 50 या 100 ऐसे रेडियो हो जो गांव में प्योर गांव में है, उनके गैप्स को हम लोग आइडेंटिफाई करें और बहुत क्लोजली उनको गाइड करें ताकि 6 महीने में हम उसका रिजल्ट देख पाए। कोई हम लोग पैसे की बात नहीं होगी, बस ये होगा कि अगर हमने ये बीड़ा उठाया है तो हम लोग एक दूसरे से कैसे सीख के वो एक मॉडल तैयार और अपने आप दौड़ना शुरू कर दें, और हम लोग सिर्फ उसकी बात करें क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं गांव में। हम लोग गांव में बैठ के अपनी जो टूल्स है उसको उसका जो पोटेंशियल है उसका 100% क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, इस मकसद से हमने ये शुरुआत किया है। ये पहला कॉल है हम लोग का डिस्कशन है ताकि एक दूसरे को जाने, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम बताएं वो आप जानते हो पहले करते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नया चीज हम इंटीग्रेट करें या फिर आपसे भी सीखें और हम लोग साथ बढ़े। आई एम डॉक्टर शिशिर दास, so as leading the Odisha Community Radio Group, so this initiative is highly laudable, and this is a need of the hour to have such a platform, and we are thankful to you that you have created the formation of a kind of network. I think I have already told you that this is definitely a laudable effort, and this was the need of the hour, that no doubt this is an absolute truth that whoever has gone for this kind of community media, that itself is a manifestation of, you know, his struggle, his dedication and commitment. And on without passion, nobody can establish a kind of community radio that we are running and struggling for that existence, particularly in rural India. And let me tell you
that many people are doing very wonderful jobs, many wonderful things they are doing, but they are unfortunately not aware of the kind of work they are doing. They are doing good works, very good works, but the ones these kind of works should be exposed outside, and we should also have a kind of an exchange of ideas, exchange of initiatives, so that we get exposed to outside world, and let us be connected with the community and engage ourselves with the community. And this is my feeling that some years back we had also developed a kind of mapping, mapping system to know, the kind of maybe social mapping or resource mapping. But we had developed a format for the community radios, particularly in Odisha, that was accepted by government of Odisha in its, in a different kind of form. But anyway, that didn't pick up. But our wish remained unfulfilled. So let us know fast. Let us map the strengths and weaknesses or the community mapping we should do. And Siddiqui Sahab, we are really grateful to you that you have taken such an initiative. And we'll collectively think. This is a forum to collectively think and collectively go ahead. But definitely, this campaign will be spearheaded. Not only that, we previously we should be preoccupied with a kind of monetary motive. But once we establish ourselves, once we prove ourselves, money won't be a problem. This is my feeling. So we have to prove ourselves, not only at the grassroots level, but the state, national, and international level, so that the donors will be interested rather to come forward to help us out. So this is what my God feeling, Dr. Siddiqui, and please. So we are hopeful, sir. Yeah. Thankful. I agree. I agree with your points, and I really appreciate that, you understand all the things that what you are looking for. So that is why I, in the beginning only, that I explained that we are not here to discuss about the funding. We are not here to discuss about the project and the personal benefit. This is like, something intuition, because when I traveled across the globe and when I heard the people too much, those young generation, they are too much energetic. They are working for their country. They are working for their, nation and their society. But when I come and hear, when I discuss with them, that most of the people, they ask, what is my benefit? First, when you talk and discuss something, then that is the first question. What is my benefit? If I come, if I give, what is my benefit? That is the difference. When I start thinking in that way, then what is my benefit? I think that we are not going to move in a further any step. Yeah. Sure. So here, that is why that, because when I created that group, before that I discussed a few of my friends that I'm going to do this, and I don't know that whether I'll be successful or not. But definitely, I will share my experience that what I have learned from other countries. And when I visited there, when I discussed with them, they had their question, they had their concern. So all the things that we addressed, and they are successful. Why not we can implement the same in India, and we can do the same thing. So I'm very much happy that, those people with the same mindset, they are here, they are giving their time. But to do that, that is the one thing that finance is the problem. That, in the rural areas, they cannot afford to upgrade that kind of thing. And even for a small thing, they don't know. But the other people, those who know, they charge hefty amount that, they cannot afford to upgrade themselves. So that is the challenge. So that is why that we have wanted to create that. How can we help each other by not charging them too much? If somebody is expert, they can just guide. If they are not, they cannot give the financial support, they can just guide and just tell that, yeah, do like this, then you can prove yourself and you can upgrade yourself. One of my friends was also working in the radio as well as some of the local media, and he is based in Uttarakhand, Mr. Mahipal, and he has done a lot. He is running web radio and all. So he will explain, he will share some of his experience, that how he is doing and how he has reached and how he is covering the issues. He's a very passionate guy. I met him earlier, and he explained that I wanted him also to speak and tell that how he is doing in Uttarakhand and how he has created the reach, by integrating the web radio. जी जी जरूर. नमस्कार सभी को. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे मौका दिया. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है. मुझे मौका दिया. जैसे सर ने बताया कि मैं भी मेन स्ट्रीम में बहुत काम किया हुआ हूँ, और मैं मेरी शुरुआत एनडीटीवी से हुई थी, डॉक्टर मॉर्फिन के प्रोग्राम से.
फिर मैंने ग्रामीण भारत प्रोग्राम किया था मिनिस्ट्री के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, और वहीं से मेरा टर्नआउट हुआ कि भाई मैं भी सोशल डेवलपमेंट में कुछ करूं। तो मैं वीडियो से स्टार्ट किया और मैं रेडियो तक पहुंच गया, और आज की डेट में मैं एक टीम का मेंबर हूं जिन्होंने शुरुआत करी थी कम्युनिटी रेडियो फोरम की, जहां पे ओसामा सर भी थे, वहां पे स्टालिन थे, सभी लोग थे, और ये वन वर्ड में एक मीटिंग हुआ करती थी। तो मैं एक बैकएंड में, जैसे मिडफील्ड में होता ना गोल बना के देना और गोल करना लोग करते थे, तो उसका काम करते थे। तो मैं अभी तक मैंने अपने जीवन में लगभग 10,000 से ऊपर ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है रेडियो प्रोडक्शंस में और डिजिटल स्टोरीज में, और मैंने ये इनिशिएटिव देखा कि कम्युनिटी रेडियो में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, उसमें अलग टेक्नोलॉजी का अलग खर्चा है, टावर का अलग है, टेक्नीशियंस का अलग खर्चा है। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे यार क्यों ना हम सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ रेडियो बनाया जाए जिसमें कम खर्चा हो। तो हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचे, मैं लगभग 3 साल से 3 रेडियो को संभाल रहा हूँ अकेले, और उसमें वन ऑफ अकेला ही बंदा हूँ जो रेडियो को प्रोग्रामिंग करता है, उसको एडिटिंग करता है, उसको वॉइस ओवर करता है, और ये सारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ना तो हमें इसमें टावर की जरूरत है, ना कहीं कुछ की जरूरत है, ना कोई फ्रिक्वेंसी का कोई चक्कर है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और जिसे हमारे एक दोस्त मित्र ने बनाया, ये गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है और पूरी दुनिया में सुना जाता है। एक रेडियो है रेडियो रैबार जो उत्तराखंड के लिए है, और एक मेरे इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मैं अभी जुड़ा हूँ, वो एजुकेशन रेडियो है, रेडियो रीड इंडिया। और अभी रिसेंटली हम लोग ने एक आरोग्यवाणी करके है इनिशिएटिव, उसमें मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ, मैं इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट देखता हूँ, उसका शेड्यूलिंग करता हूँ। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, सिंपल एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास में, वो मेरे को क्लाउड टेक्नोलॉजी पे है, उसमें लगभग 10 GB तक मेरे पास स्पेस है, जिसमें मैंने 10 GB तक अपनी लाइब्रेरी में अपलोड किए हुए हैं प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम को मैं वन बाय वन उनको टाइमलाइन पे लाता हूँ और रोज का एक शेड्यूल बना देता हूँ। यानी अगर मैं कहीं बाहर भी रहता हूँ तो मैं पूरे हफ्ते का शेड्यूल बना करके आराम से अपना बाहर का टूर कर सकता हूँ, और इजीली करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 64 KBPS, हम लोग बहुत बिटरेट जो होता है बहुत कम होता है, उस पर भी प्रोग्राम को लाइव कर लेते हैं, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही कम खर्चे पे, कम खर्चा क्या मतलब बिल्कुल नील के बराबर खर्चा है, क्योंकि मैं इस रेडियो के लिए पैशनेट हूँ, और मैं अपना जो भी बोली भाषा को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, अपने इतिहास को प्रमोट कर रहा हूँ, और अपने बहुत सारे गाने हैं जिनको लोग नहीं कर पाते, पुराने कल्चर के लोग, वो मुझे गाने देते हैं, मैं उनको प्ले करता हूँ। तो इस तरह से मैं 24 घंटे का अपना एक रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ जो 7 दिन चलता है। तो कुल मिला के अभी 3 रेडियो स्टेशन मैं अकेला संभाल रहा हूँ, कोई मेरे साथ कोई टीम नहीं है, उसको खुद एडिट करता हूँ आराम से, सारा कुछ सिस्टम कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, सर से मेरा डिस्कस हुआ था कि कम से कम लागत में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ताकि हम लोग लोड पे ना जिए, हम जिस पैशनेट के साथ अपना रेडियो स्टेशन चला रहे हैं उसको इजीली और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो यही मेरा एक थोड़ा है, अगर आप सुनना चाह सकते हैं तो ये गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पे है रेडियोज, और आप सुन सकते हैं आराम से। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल साहब, और मुझे लग रहा है कि जैसे उड़ीसा में भी कई वेब रेडियो चल रहे हैं, जैसे बुलबुल रेडियो भी शायद न्याज जो चलाते हैं भद्रक में, वो भी शायद वेब रेडियो उन लोगों ने इंटीग्रेट किया है। अच्छा जी, ये सर ये मेरे ख्याल में अनलॉक होगा, रेडियो स्टेशन से एक लाइन देते होंगे ये वेबसाइट में चलाने के लिए, शायद मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा उड़ीसा में। हाँ तो बताएंगे, अभी वो भी लाइन पे हैं, वो भी बता सकते हैं अपने बारे में। ये मेरा वाला तो सर टोटली रेडियो, ये ना ब्रॉडकास्ट करते हैं, सिर्फ इसको पॉडकास्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, ना मुझे इसमें स्टूडियो की जरूरत है। महिपाल जी, ये कितना खर्च आता है? मैं आनंद कुमार ठाकुर, रांची से बोल रहा हूँ, रेडियो खांची। सर ठाकुर साहब, ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमारे दोस्त ने एक एप्लीकेशन बनाया है और बैकएंड सपोर्ट करते हैं, तो ये लगभग 15,000 महीने का खर्चा लेते हैं बैकएंड में, जिसमें क्लाउड का आपका, आपको एक टेक्नीशियन रखना पड़ता है हमेशा कंप्यूटर्स के लिए, जो आपको सपोर्ट करेगा, कभी आपका हैंग हो गया, कभी रेडियो नहीं चल रहा है, कभी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई है एप्लीकेशंस में, तो ये पूरी एप्लीकेशंस की सपोर्ट करते हैं मुझे और मेरा बैकएंड से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको हम 15,000 रुपये महीना देते हैं सपोर्टिंग के लिए, और बाकी सारा काम मैं खुद करता हूँ। इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ से मैं प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ और प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और एयर करता हूँ, एयर इन सम इन द सेंस पॉडकास्टिंग करता हूँ सर। पॉडकास्टिंग, वंडरफुल सर, वंडरफुल। और ये वेबसाइट में भी ऑप्शन है इसका कि आप वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट में भी लगा सकते हो,
और ये वेबसाइट में भी बसता है सर। बहुत अच्छा, मैं मीटिंग का अलग आपसे बात करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस? जी शायद सर, मैं झारखंड से राजेश। हाँ हाँ राजेश, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका? सर ठीक चल रहा है सर। अभी सर महिपाल जी का हम बात सुने सर, बहुत प्रभावित हुए, और ये मंथली तो खर्च बता ही रहे कुछ कुछ, और जहाँ तक कि सर हो सकता है सर, और कम भी हो सकता है। अभी शाहिद सर से बातचीत चल रही थी हमारी। नहीं नहीं सर, सर हमने बोला है इनको, हमने महिपाल जी को बोला है कि अपने दोस्त से हमें मिलाइए और उनको कहे कि ये, क्योंकि हम लोग देश सेवा के लिए हम लोग ये बीड़ा उठा रहे हैं, तो जो 15,000 है वो कम से कम कितना हो सकता है वो बताए, और जो भी जो खर्च है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी कोई ऐसा CSR का डोनर मिल जाए जो सारे कम्युनिटी रेडियो को इंटीग्रेट कराए अपने खर्चे पे, उसमें कम्युनिटी रेडियो को ना देना पड़े, तो उसपे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा प्रोग्राम बन सकता है जिसमें कि वो जो जो भी खर्चा है जो सॉफ्टवेयर का जो भी है वो कोई और पार्टी उठा ले उस खर्चे को, और जो ग्रामीण रेडियो है उन पे वो भार ना आए, चाहे 5,000 हो या 10,000 हो, क्योंकि 5,000-10,000 भी एक बर्डन है, गाँव में इतना आसानी से आप कमा नहीं सकते पर मंथ। सर मेरा एक सुझाव है सर, हम तो सर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, और हम जो अपना रेडियो चला रहे हैं रेडियो जागृति झारखंड में, हम तो सर ये जो बात है वेब रेडियो का, ये तो हम सर फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं और चला भी रहे हैं, इसमें कोई लागत नहीं है, जो कि लोग आप वहां पे हमारा रेडियो आप सुन सकते हैं, और महिपाल सर जो बताए 64 KBPS पर भी ये हमारा रेडियो चलता है, और यहाँ तक कि सर जैसे 4G का जो जियो का मोबाइल है, यदि हम उसमें रिचार्ज नहीं भी कराएं तो उसमें जो हल्का बहुत नेट चलता है उससे मेरा ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो सर ये आपका लाइव भी चलता है सर ये ना, आपके पास तो लाइसेंसिंग होगा गवर्नमेंट का? नहीं, लाइव भी चलता है, ये तो ऑफलाइन चलता है और लाइव भी चलता है अभी। अच्छा जी, वो आपकी तो आपका जो टेक्नोलॉजी का जो खर्चा है सर, जो आपका टावर को देखते हैं, आपका स्टूडियो को देखते हैं जो लोग, उनकी सैलरी वगैरह भी आप देते होंगे? नहीं नहीं, वो एक अलग पार्ट है सर, हम वेब रेडियो का बात कर रहे हैं, इंटरनेट रेडियो का बात कर रहे हैं जो बिल्कुल। अच्छा जी, ये बेसिकली सर आपका जो रेडियो है ना वो कम्युनिटी रेडियो है, और आपने उसको लिंक किया है इंटरनेट रेडियो से, और जो मेरा कंसेप्ट है सर, मेरे पास ना तो कोई टावर है ना कोई मेरे पास स्टूडियो, मैं अपने एक लैपटॉप से और एक मोबाइल से रेडियो स्टेशन चलाता हूँ, एडिटिंग, वो भी लैपटॉप इसलिए कि मुझे एडिटिंग करना पड़ता है, ना मेरे पास टावर है ना कोई स्टूडियो है सर। इसका मतलब है कि बिना लाइसेंस के भी अपना एक वेब रेडियो चला सकते हैं जिसमें? हाँ, सर ये पॉडकास्टिंग है एक तरह से। पॉडकास्टिंग, अच्छा जी, फ्री ऑफ कॉस्ट वेब रेडियो लोग चला सकते हैं, इसके लिए ना स्टूडियो की जरूरत है और ना ही कुछ जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए Sir, let me suggest one thing. Yeah. I think this kind of component can be focused in one kind of meeting. Okay. And let us prepare today our purpose and some action plan so that we can go ahead. Yeah. So and then we can switch over to different components like technology and content and all that. So that it doesn't get distracted. That's exactly. Right. So I'm sorry for distracting from the point, but one more our member from Tanzania, he is messaging to me that I am not able to understand in this Hindi language, so he is just requesting that if we can manage little bit mix of English and Hindi, so he can also manage. And I'll request Mr. Ali from Tanzania that he can also share his view and what he is doing there in the community radio, he can share his experiences. आवाज नहीं आ रही है उनकी। हाँ, आवाज लग रहा है, ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या, ये क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट ही इज मैसेजिंग। क्या कैन यू अनम्यूट मिस्टर अली, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, ही इज टेलिंग दैट नेटवर्क इज नॉट गुड एट माय साइड, आई विल कम लेटर। ओके ठीक है, वो जब उनका नेटवर्क ठीक होगा तब वो ज्वाइन कर लेंगे, मतलब फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपना जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन होगा। Then we can think, जैसे डॉक्टर दास ने बताया that we should focus on that new, that next strategy to find the
gaps and the thing that what we had decided. So on that, based on that, we can choose the very, very, you know, very much struggling that grassroots community radio stations to work upon, and then we can start helping out at which software, which technology is feasible, and how we can move forward. So these are the things that we can. So if somebody wants to come in and share that, you know, how the thing that we should move in, if we any idea, because I am planning that after this we'll discuss with that that form that through which we can map the gap areas and weakness and strength. So we can work upon that. After that, we can just think and see that with all the suggestion. फिर हम लोग बात करेंगे ग्रुप में कि उसके आउटकम के बेस पे कि how we can just take it forward on the basis of the mapping, and which community radio station, which state we should focus first in the first phase, in the second phase and third phase, because we'll go by phases. We cannot go randomly, you know, immediately like all 200 plus or something. So we can choose first 50, then again, then in next phase, second 50, like this, we can just pick it up. So these are my ideas. If somebody just want to pitch in and somebody wants to guide that, yes, if something else to be added in that, I'll welcome that person. Sir, I think we can develop a format the first instance. We can develop a format. Yeah, I'll develop the format and I'll share the link also that, you know, once it is ready. So for the format also, we have to discuss, you know, what are the things that we should focus on. Otherwise, it will be like, you know, out of the box, you know, we can have multiple questions, but the things what we want will not be visible. Mm-hmm. Yeah, that will take some time, you know, we can... Yeah, so I think the first point that should be taken up, and then we can go ahead. So the format that what you had earlier, you know, when you were doing the survey, so I would like to have that also to understand that, you know, how you did it. And okay, and then based on that, if any improvisation is required, then we can develop and add on something based on the current situation, and then we can just go ahead with among the, all the community radio stations, so they can share their views. Yeah, yeah. So I can share with you, and we'll collectively discuss, and then, you know, find out the gaps. You know, what can, how can it be improved, and some points can be added, and all that. So I can share with you. Yeah, yeah. No problem. Niyaj, I wanted to hear you also. That कैसे आप कर रहे हो आप वहाँ पे, and थोड़ा सा brief चाहिए क्योंकि I know that you are also very socially active and very passionate, and I know that since last 10-15 years you have been struggling. Ab kya kya challenges hame thoda sa face karne padte hain community level pe ya fir government level pe, thoda sa ek brief idea lage to dusre bhi jane. Thank you Saeed bhai. Sab to hindi mein hi samajh sakenge mere khayal se. Ha, yahan to zyada hindi mein hi hai, african do char hai bas. Yeah. तो मैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल है कि जो स्टूडियो चलाने का जो दिक्कत है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जो मंथली खर्च है वो सब नहीं उठा पाते हैं. इस वजह से भी कई रेडियो बंद भी हुए हुए हैं, कई चलते नहीं है. और हमारा कहने का मतलब जो लिंकेज है, सपोज फॉर एन एग्जांपल आप जिस तरह कह रहे थे कि बोल रहे थे कि जहां पे आप सीएसआर के लिए अगर लिंकेज हो सकता है, हम सामुदायिक रेडियो जहां पे काम कर रहे हैं, जैसे चाहे वो इंटेल हो, चाहे वो जितने भी कम हो, आप बता रहे थे दो कंपनी का नाम, जैसे आंध्रा में कर रहे हैं या अरुणाचल में करने जा रहे हैं, तो अगर कुछ एक काम स्पेसिफिक हो जाता है, एक प्रोग्राम महीने में दो बार चला दिए, चाहे वो वट एवर द अमाउंट, अगर उस तरह का होता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको एक फायदा, इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सस्टेन होने के बाद में ताकि वो लोग को काम करने का एक जो होता है ना, उनको एक इजी मतलब सोच और बढ़ सकता है मेरे जानने में. क्योंकि जिस तरह शिशिर सर बोले कि पैसन तो सबका है, यहाँ पे बहुत सारे रेडियो सबका पैसन है तभी कर रहे हैं, जो कुछ है नहीं है वो अलग बात है, जो पैसन है वो करेंगे, अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे, लेकिन अगर उनको और थोड़ा सा मदद हो जाए, मिल जाए, मेरे ख्याल में रेडियो का जो जो हम टेक्नोलॉजी है, जो अलग चीजें हैं, वो हम इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. मैं जिस तरह कहूंगा कि जिस तरह मैंने भी सीसी सर को भी लिंकेज भेजा, जो हम लोग अभी मित्र जो महिपाल जो बोले हैं कि वहां से उत्तराखंड से,
मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। हमने पहले रेडियो चलाए और हम सोचे कि नहीं रेडियो तो सुने, जो हम चाहते कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर कैसे सुने, तो हमने प्ले स्टोर में सेम चीज को हमने प्ले स्टोर में अपना सेम जो हमारे रेडियो में चलता है प्ले स्टोर में वही चीज चलता है। तो हमने एक बहुत कम करा हमारे प्ले स्टोर में चला ताकि उससे हमको ट्रैफिकिंग मिला है जो बाहर रहते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है उसका नाम है कथरे कथरे, हिंदी में बोलते हैं बातों बातों में। तो एक सप्ताह में पूरे वर्ल्ड का हम उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद इंडिया का देते हैं, उसके बाद ओडिशा का देते हैं, उसके बाद भद्रक का देते हैं। वो एक यहाँ के जो तहसीलदार हैं, भद्रक डिस्ट्रिक्ट के पहले सब कलेक्टर थे, वो अभी तहसीलदार हैं और एक ब्लॉक के, तो वो इस प्रोग्राम को लीड करते हैं हर सप्ताह। तो उसमें कई सारे चीज होते हैं इस तरह का। और एक प्रोग्राम जो हमने चलाया सब नए, जैसा रेडियो सूर्य भी है यहाँ पे, विश्वजीत भाई भी थे, अभी हमारे और भी मित्र हैं जो कि कोविड में हमने बहुत सारे काम किए हैं जो कि उसका इम्पैक्ट हुआ। हमने सोशल मीडिया के थ्रू से जो चलाया, दिल्ली में रहने वाले जो परेशान थे, मुंबई में थे, मुंबई में आप तारिक जानते हो, तारिक ने उस टाइम हेल्प किया, जो कि हमारा रेडियो सुनने के बाद में, हम लोग लाइव करने के बाद में हम लोग लिंकेज किए, बैंगलोर से कॉल आया। तो ये सब चीज होता है, लेकिन होने के साथ साथ हमको एक चीज का जो कमी हो रहा है हर एक रेडियो का, एक जो इनिशियल खर्च है वो खर्च उठाने के लिए बहुत सारे रेडियो स्ट्रगल करते हैं। ये तो है ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, ये मेन मुद्दा है सिद्दीकी जी कि अगर हमको CSR अगर कोई मिल जाए, चाहे ओडिशा में अजीम प्रेम जी काम कर रहा है, अगर आप जिस तरह बोल रहे थे कि अजीम प्रेम जी का अवेयरनेस एजुकेशन कर रहा है, अगर हम रेडियो के माध्यम से उस एजुकेशन का एक प्रोग्राम कुछ अगर मिल जाए, तो हर इंडिया में आधा चीज सॉल्व हो जाएगा और लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिंग में पहुंचने के लिए इजी हो जाएगा। ये मेरा है, उसके बाद में आप और भी एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो सेकंड पार्ट है, हम जरूर उसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमारे ब्रदर जो उत्तराखंड के वो भी बोले हैं, राजेश ने बोला, मैं जिस तरह कर रहा हूं, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। लेकिन पहला जो डिफिकल्टीज है, हम कैसे, जैसे आप बोले कि CSR को हम लोग कैसे लिंकेज करवा देंगे सारे रेडियो को, हमारा मकसद यही है ना आपका, कि जो भी जितने भी सामुदायिक रेडियो है कि CSR के साथ ही जुड़ के, आपका तो कोई इंटरेस्ट नहीं, आप चाहते हैं कि हम कोई ना हम कंसल्टेंसी बने ना हम ऐसा कुछ बने, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट CSR का फंड लेके आके एक रेडियो से सब जोड़ दें ताकि इजी होएगा सब रेडियो को। तो हम बहुत अच्छा स्टेप है, हम चाहते हैं कि अगर इस तरह, क्योंकि मैं भी आपको 12-14 साल से जानता हूं, दिल्ली में भी साथ काम किए हैं और CSR का आपका अच्छा लिंकेज है, चाहे हर एक स्टाफ अगर जिस तरह कौन सा स्टेट हम प्रायोरिटी ले सकते हैं, अभी मुद्दा क्या है, अगर मुद्दा रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं, तो ये सारे चीज हो सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसको देगा। मैंने आपको शेयर भी किया हूँ कुछ, आपको देखेंगे वायर में हम लोग का सब, और ओडिशा में तो बहुत हर एक स्टेट में किए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर उनको और कुछ मजबूत हो जाए ना, फाइनेंशियल हेल्प अगर कुछ दे दे कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो और अच्छा काम हो। ठीक है, अब कोई और सर? एक कंसर्न है, बहुत बड़ा चैलेंज कम्युनिटी रेडियो के लिए, एक्चुअली व्होमेवर यू मीट और व्होमेवर यू अप्रोच, मैं भी CSR और मैं भी कॉर्पोरेट हाउसेस और मैं भी गवर्नमेंट व्हाटएवर एजेंसी यू मीट, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड द क्वेश्चन दे आस्क दैट यू नो हाउ मेनी क्लाइंट्स यू हैव, हु आर द लिसनर्स, what is the reach? So because the people, those who are investing money because primarily with business motive, that they are interested for the reach. Right. So, हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, इंटेंसिव काम करते हैं, लेकिन जब एक्सटेंसिव का बात आता है ना, हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये जो कंस्टेंट होता है, तो डेफिनेटली वी विल थिंक ओवर दैट, ये रीच हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हां, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू ओवरकम, या द चैलेंज, बिकॉज़ दैट वाज आल्सो माय व्यू कि अगर हम अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी रीच बढ़ा लें, देन डेफिनेटली, बिकॉज़ कोई भी एडवर्टाइजमेंट वाला हो या फिर कोई भी अवेयरनेस की बात हो, दे वांट द रीच एंड दे थिंक दैट, जैसे सोशल मीडिया में अगर आपके ज्यादा फॉलोअर हैं तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। ऐसे ऐसे व्हाट आर द टूल्स दैट यू नो वी कैन इंटीग्रेट एट द मिनिमम कॉस्ट और एट द फ्री ऑफ कॉस्ट, कि हमारा उससे रीच बढ़ जाए, देन वी कैन हैव यू नो एक्सेस टू नॉट ओनली इन दैट रीजन
but also out of the reason, you know, that what we have for the license without violating any norms or guidelines. उसको करके कैसे हम लोग करें, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे टूल्स का इंटीग्रेशन होगा. हो सकता है कि हमें साथ के साथ सोशल मीडिया का भी हमें बहुत अच्छी इंटीग्रेशन हमें चाहिए, साथ के साथ हमें वेब रेडियो वाला भी चाहिए जो लाइव हमारा कहीं से भी एक्सेस हो जाए. तो ये छोटे छोटे चीज है जिसको हम इंटीग्रेट कर लें, तो सेकेंड टाइम में आता है कि फिर राइट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, ये अगर ये इंटीग्रेशन हो जाए तो फिर हम लोग प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे कि हम किस एरिया के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और लोकलाइज, बिल्कुल लोकलाइज, दैट यू शुड बी योर ओन ब्रांड. ऐसा नहीं कि हम सीधा हम किसी गांव में बैठे हैं, हम कहें कि हम तो बीबीसी बनना चाहते हैं, तो ये हमारा गलत स्ट्रेटजी होगा. हमारा रीच और हमारी चीज, हमारी पहचान वहां की लोकल कम्युनिटी है, तो दैट वी हैव टू बिल्ड आवर ओन ब्रांड बाय रीचिंग टू द मैक्सिमम विलेज एंड द कवरेज. तो ये करके फिर हम लोग करेंगे. तो ये आपका सजेशन अच्छा है और मैं भी उसी उससे एग्री करता हूँ कि लेट्स फोकस स्टेप बाय स्टेप, दैट कि पहले हम अपनी रीच पे हम काम करें, वो जो गैप एरिया है रीच हमारा क्या, उसके लिए क्या क्या हमें टूल्स चाहिए, उस पर गाइडेंस कैसे चाहिए, कैसे हम लोग ट्रेनिंग ले सकें. इसमें ग्रुप में अगर जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो पहले कर चुके हैं, पहले तो कोशिश करें कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कैसे वो कर सकें, अगर मिनिमम, अगर उसके बाद आएंगे मिनिमम कॉस्ट पे कि अगर हमसे नहीं हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे हम लोग कर सके वन टाइम, जैसे कि वो हम हेल्प कर सके, और उसके लिए कहाँ से हम लोग किसी को हेल्प करने के लिए फंड हम लोग कह सकें कि यहाँ से हमको फंडिंग मिल जाएगी या फिर कोई हमें हेल्प कर देगा कि ताकि वो इंटीग्रेशन हो जाए. तो बहुत सारे तरीके हैं हम लोग एक एक करके, और मैं जिस मकसद से यहाँ पे पिचिंग किया हूँ, ये मेरा यही मकसद है कि इसमें हम लोगों को खुद हेल्प करना है इसमें, जिसमें कि आपका कॉस्ट ना लगे, किसी भी कम्युनिटी रेडियो पे बर्डन ना आए या किसी तरह से. तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने स्किल को यूटिलाइज करें, हम अपने जो नेटवर्क है उनके जो एक्सपर्टीज है उनको हम यूटिलाइज करें पहले, फिर सेकेंड स्टेज में फिर हम आएंगे जो एक्सपर्ट है उनसे हम बात करेंगे कि अगर हमसे नहीं हो पाता है तब हम उनसे बात करेंगे, और भी हम लोग सोचेंगे कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए या फिर उससे उस बर्डन को किसी और को शेयर किया जाए. सर मैं शाहिद साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि हम किन खर्चों को कम कर सकते हैं, खर्चों पे ध्यान करें. जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं 0% पे काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं रात को 1 घंटा बैठता हूँ और एक रेडियो का कंपाइलिंग करता हूँ, और कोई खर्चा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं पे एंगेज हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और मेरा एक पैशन है मेरे अपने उत्तराखंड स्टेट के लिए, तो मेरा कोई खर्चा ही नहीं है. मैं उसके प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाता हूँ, मैंने लिंक भी दिया है, आप सुनिए उस प्रोग्राम्स को. और सबसे बड़ी बात है कि मैं ओपन सोर्स सारे प्रोग्राम्स उनको ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरे को ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं डाउनलोड करके अपना, क्योंकि मेरी टेक्निकल स्ट्रांग है एबिलिटी, तो मैं आराम से एडिट कर लेता हूँ, वॉइस ओवर कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ. तो ये थोड़ा सा, क्योंकि जब आदमी रेडियो चलाता है उसके अंदर तो आ ही जाता है सारे गुण, क्योंकि एनजीओ में जब हम काम करते हैं तो आपको सब कुछ करना पड़ता है. तो सबसे पहले सर हमें खर्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, और जब हमारे खर्चे कम होने लग जाएंगे तो हम अपना प्रॉफिट धीरे धीरे निकालने लग जाएंगे. और जैसे मैं खुद बताता हूँ, अभी बीच में उज्ज्वला उर्के जी थी, यूके थी, सबने शायद काम किया होगा, विज्ञान एंड जो विज्ञान प्रसार है, उन्होंने काफी अच्छी फंडिंग दी थी, लगभग 30-30 लाख दिया था लोगों को 3 साल के लिए रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए, विज्ञान प्रमोशंस के लिए. तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है सर जिनको हम लोग कर सकते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं, और कम खर्चे पे ये हमारी बहुत अच्छा सस्टेन होगा, हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं. तो ऐसे लोगों को भी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा सर. ठीक है सर, इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तो हम लोग को करना चाहिए. जी जी सर, टेक्नोलॉजी वाली, मतलब वही सर, की खर्चा कैसे कम कर सके. अब जैसे मैं बताता हूँ कि मैं रेडियो इनिशिएटिव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई टावर नहीं है, ना मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैं सिर्फ अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल से ही सारा कुछ कर रहा हूँ सर. तो मैं रेडियो कर रहा हूँ, रेडियो चला रहा हूँ, लेकिन मैंने, आप देखिए कि मैंने बिजली का खर्चा कम किया है, मैंने किराए की अगर जो बिल्डिंग है उसको कम किया हुआ है, टावर जो मेरा खराब हो जाता है जिसका इंजीनियर आता है, मैंने बहुत सारा खर्चा कम किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें पॉइंटर काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ. तो हम कोशिश करते हैं कि कितने कम खर्चे लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी रीच को बढ़ा सके और अपना जो एक मकसद है उसको पूरा कर सके. जी सर,
हम लोग सर इसलिए हम लोग को एक अप्रोच इज अपना फॉर द नॉलेज ऑफ ऑल अदर स्टेट्स आल्सो ओडिशा इज लीडिंग दैट वे ओडिशा इज लीडिंग दैट वे अंसारी साहब तो आप जानते हैं ना सर अंसारी साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं हाँ ना ये सब चीज को काउंटर करने के लिए हम लोग नेटवर्क नहीं नेटवर्क अप्रोच देते हैं तो शुरुआत कर रहे हो मैं अभी लीड कर रहा हूँ स्टेट को तो ये नेटवर्क अप्रोच में हम लोग सॉल्व करते हैं सपोज मैंने जैसे बोला कि सब एक आदमी बोला कि पार्टी बोला कि आपका क्लाइंटल कितना है सपोज 5 लाख है तो हम लोग 17 रेडियो है कि 10 रेडियो है हम लोग बोलते हैं भाई हमारा 50 लाख है 50 लाख बिल्कुल यही प्रोजेक्शन हम करते हैं तो अकॉर्डिंगली आर गेटिंग ऑल्सो दैट काइंड ऑफ ऑफर दैट इज दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्शन एंड वी विल गो फॉर दैट तो ये नेटवर्क अप्रोच में हम लोग बहुत बड़ा सोल्यूशन निकला आपने कोई वेबसाइट बताया था ना जिसमें मैं दो लिंक तो मैं आपको दे सकता हूँ जैसे गार्डन रेडियो एक है पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कम्युनिटी रेडियो को सुनना चाहते हैं आपको सिर्फ मैप पे आपको पिन करना है वो दुनिया का कोई भी गांव हो किसी भी कंट्री का उसमें आपका रेडियो आपको सुन सकते हैं मोबाइल पे आज से 5 साल पहले मुझे ये पता चला था जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो किसी ने मुझे शेयर किया था यूके बेस्ड कोई कंपनी है जिन्होंने बनाया था उस टाइम में तो ये बड़ा अनोखा लगा कि वो जब पूरे वर्ल्ड के एक एक गांव को उस पे रेडियो पे ला सकता है वो तो हम लोग पहले इंडिया या फिर स्टेट लेवल पे हम लोग सोचे क्या वो पॉसिबल है किस तरह से क्या उसमें हम लोग सीख सकते हैं कि वो होता कैसे है तो नेक्स्ट स्टेशन सर ऐसा होना चाहिए कि हम खर्चे कैसे कम करें अपने बिल्कुल ताकि हम प्रॉफिट को अपना बढ़ा सके प्रॉफिट देने से मतलब खर्चे कम हो गए तो हमारी मेंटली टेंशन दूर हो जाती है सर जस्ट वांट टू से दिस इज विश्वजीत आई जस्ट वांट टू से कि हमने ये जो डिस्कशन करा ये प्लेटफॉर्म फंडिंग के लिए बा ये हमारा जैसे एसोसिएशन है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको हम ज्यादातर अगर टेक्नोलॉजी शेयरिंग करें ग्रुप ताकि क्या है कि अभी रेडियो में बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है अभी अभी एक डिस्कशन हुआ वेब रेडियो हुआ है लेकिन कैसे हम स्मॉल इक्विपमेंट्स में या लेस कॉस्टली इक्विपमेंट से क्वालिटी रिकॉर्डिंग कर सकें जैसे कैसे हम लिंक कर सके कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करके अपना रेडियो का जो लिसनर्स है उसको बढ़ा सकते हैं ये सब को शेयरिंग जरूरी है क्योंकि आई थिंक लाइक पीपल हु आर आई मीन मोर एक्सपीरियंस हु आर मोर आई मीन नॉलेज अबाउट आईटी प्लेटफॉर्म्स हाउ दैट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड विद द प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिटी रेडियो I think that will be really a learning thing for all of us, and all of us will benefit out of that. Definitely. I think we should also look into that also. Yeah, sure. Okay, so I think that we have. I think this was just introductory the discussion today yes. that we wanted to have. But if somebody wanted to share, that they are welcome. But if anybody is left, they want to share something new that strategy-wise, then we can have. Otherwise, we are just going to reach the limit of the time. We are reaching to up to, I think, 1 hour going to complete. So then we can proceed because we don't want to waste other people's time, you know, and just discussing the same thing again and again. So we have to work on the strategy and we can just wrap it up. And I just would like to add that since we have international participants also, members yeah. in this group, I think cross-learning will be one of the also flag, we yes. can flag that off also. Yeah, so I think that, you know, for that reason today, I got a feedback from one of my friends from Tanzania that is telling that the language that we, when we speak in Hindi with the grassroots community radio people, so yes. they are left behind. So we have to find the way that, you know, mix both the things, you know, Hindi and English, those yes. we can balance. क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे तो हमारे community radio वाले जो गांव के हैं, बहुत लोग हैं, वो problem होगा, right? And लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, जब जैसे हम international participants के लिए जब रखते हैं ना,
तो वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ज्यादा बुलाए और बाकी लोग को फिर हम एक शॉर्ट जो फाइन पॉइंट्स है उसको शेयर कर सकते हैं बाद में, बट क्रॉस लर्निंग तो हो सकेगा आई थिंक. यस, बाकी देशों में कैसे चल रहा है आई थिंक दैट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, स्पेशली लो रिसोर्स सेटिंग नेशंस लाइक नेपाल. हमसे रिसोर्स कम है लेकिन कम्युनिटी रेडियो में वो काफी आगे हैं. सो वीड लाइक टू लर्न मालवी एंड तंजाना. आई मीन रिच रेशंस नहीं है लेकिन कैसे वो यूज करते हैं वो जानना जरूरी होगा. तो संदीप जी हम आपको वेट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जब मिलेंगे और एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करेंगे. आवाज आ रही मेरी? जी सर, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही ना जी. हाँ, तो ये दरअसल प्लेटफॉर्म जो बना है उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है. हम सब मिलकर शाहिद जी को इसमें शुक्रिया अदा करेंगे और धन्यवाद देंगे कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि हम वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से जुड़े हैं. और निश्चित तौर पे जो विश्वजीत जी ने अभी हाल बोला कि जो कम संसाधनों में अच्छा परिणाम ले रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं, कम संसाधनों में लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो दरअसल कम्युनिटी की जो डिमांड है उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए या क्या उसका वर्किंग हो, किस तरह से उसकी वर्किंग की जाए, या हमें बहुत मदद मिलेगी सबके अनुभवों से. हम अपने अनुभव भी शेयर करेंगे. नेटवर्क इश्यू है उनके पास. आई थिंक इट्स टाइम टू अब अपने कोई और विचार करना चाहते हो तो करें. मैंने सबको मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को जो इसमें शामिल हैं, और अपने अपना शेयर जरूर करें ताकि जिसको कहीं कोई दिक्कतें हो तो हम एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे की दिक्कतों को पूरा करें, कम्युनिटी की बातों को पूरा करें और सस्टेनेबल जो चलाने आवश्यक है कम्युनिटी की. हमको रिसर्च काफी जगह से जो है हम सबमिट करना है. धन्यवाद. इसी के साथ हम लोग आज का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे और मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं, क्या हम लोग इस डिस्कशन के वीडियो को हम लोग व्हाट्सएप में लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं? अगर हाँ तो करूंगा. अगर कोई बिल्कुल करना चाहिए शाहिद जी, बिल्कुल करना चाहिए, तो नहीं है वो इसका लाभ ले सके. ठीक है, तो ताकि दूसरे लोग भी जान जाए कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था. हम लोग हमारा आशय है कम्युनिटी को मिले, समुदाय को मिले, और वो समुदाय हमारा अपना समुदाय भी है. कम्युनिटी का भी एक समय है जो नहीं है, अपने कंडीशंस की वजह से नहीं होंगे, किन कारणों से नहीं होंगे, पर उनको भी मिले. मेरे ख्याल से सिद्दीकी भाई जो विश्वजीत जी बोले हैं, हम एक इंटरनेशनल मीट भी रख लेंगे. दोज़ हू वांट टू जॉइन वो जॉइन कर सकते हैं, या तो हम लोग भी उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं कई सारे बातें जो विश्वजीत भाई बोले. लेकिन मेक वन इंटरनेशनल के साथ भी 5-6 लोग हों या 7-8 हों, उनसे भी एक हो जाए. जरूर जरूर जरूर, हम लोग नेक्स्ट सेशन हम लोग उनसे भी रखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आप लोगों का सहयोग के लिए. और हम लोग इसी अब आगे हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे स्ट्रेटजी वाइज. तो शिशिर सर से मैं कनेक्ट करूंगा, उनसे जो फॉर्मेट है मैं चाहूंगा कि हम एक बार डिस्कस करें, फिर उसको नया फॉर्मेट बना के फिर सब लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे.